सिंधिया की पोजीशन पर तकरार। नमस्कार, बाद मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को पूरे एक साल बाद अपने सबसे करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद आ ही गई। भले ही अब वो ना करीबी रहे और ना ही पार्टी में, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने उनके लिए अपने दरवाजे को अभी भी खुला रखा है। राहुल ने सिंधिया को लेकर कहा कि वो बीजेपी में बैक बेंचर बन गए हैं, कांग्रेस में होते तो सीएम बन सकते थे, बीजेपी में इसके कोई चांस नहीं है। एक साल बाद पहला मौका होगा जब राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर कुछ बोला हो। पलटवार में सिंधिया ने भी बड़ी सहजता से कह दिया, जितनी चिंता राहुल गांधी को अब हो रही है उतनी चिंता कांग्रेस में रहते हुए कर लेते। इसके बाद सिंधिया कुछ भी नहीं बोले। इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं और जमकर सियासत भी हो रही है। हालांकि राहुल गांधी का ये बयान कई सवाल खड़े कर गया। साथ ही राहुल गांधी ने उनके लिए दरवाजे खुले रखते हुए ये भी कह दिया कि उन्हें कांग्रेस में वापस आना ही होगा। राहुल ने जो कुछ कहा उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस मकसद से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे उसमें कितना सफल रहे, इसी से जुड़े तमाम सवाल हम पर बात करेंगे कार्यक्रम बात मुद्दे की में। लेकिन इससे पहले इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी का सिंधिया को लेकर बड़ा बयान, बीजेपी ने सिंधिया को बनाया बैक बेंचर, बीजेपी में रहते कभी नहीं बनेंगे सीएम, कांग्रेस में होते तो बनते सीएम, 7 माह में मंत्री भी नहीं बन पाए सिंधिया, कांग्रेस में वापस आना ही होगा उन्हें, कांग्रेस समंदर है सबके लिए दरवाजे खुले हैं। राहुल के बयान से सियासत गरमाई, मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी। इसको लेकर पूरे एक बरस हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पूरी तरह खामोश रहे। जैसे ही साल पूरा हुआ तो राहुल बोले, और बोले भी ऐसा कि सिंधिया और बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। मौका था दिल्ली में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का। राहुल गांधी ने सिंधिया को बीजेपी का बैक बेंचर बताया, यानी सबसे पीछे पंक्ति का व्यक्ति या विद्यार्थी। इतना ही नहीं, कह डाला कि अगर कांग्रेस में होते तो सीएम बनते, लेकिन बीजेपी में अब हैं, लिख कर ले लो, कभी सीएम नहीं बन सकते। राहुल के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इसके साथ ही 24 घंटे बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फ्रंट फुट पर आए और बोले, जितनी चिंता राहुल गांधी को अब हो रही है उतनी चिंता कांग्रेस में रहते हुए कर लेते। इसके बाद सिंधिया कुछ भी नहीं बोले। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर, और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरे कर दिए। राहुल गांधी जी तो स्वयं क्लास के वो विद्यार्थी हैं जिन पर पूरे क्लास के विद्यार्थी मजा लेते हैं और ये मस्खरापन करते हैं, इनको गंभीरता से लेता कौन है। और यही कारण है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी में नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, वैसा ही कांग्रेस का नारा हो चला है कि राहुल है तो मुश्किल है। राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंधिया जी के कार्यकर्ता भी यही कहते हैं कि यहाँ पर बने रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लालच में वहां गए और नुकसान कर बैठे हैं।
आज जो सम्मान था, जिस स्तर पर वो राजनीति में पहुंच गए थे, उससे 20 फुट नीचे अगर कोई समझौते उन्हें करने पड़े हैं, तो ये राजनीतिक समझदारी के फैसले नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो केवल इस बात का संकेत दिया है कि आपने खुद अपने हाथ पैर और पांव पर जो है कुल्हाड़ी मारी है। राहुल गांधी के बयान के बाद देखा कि किस तरह से सियासत गरमाई हुई है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तमाम सवाल हैं, जिनके जवाब बीजेपी को ही देना है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एमपी में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने का श्रेय सिंधिया को ही जाता है। साथ ही जितने सिंधिया समर्थक बीजेपी में आए थे, वादे के मुताबिक सभी को मंत्री पद मिला, विभाग बंटवारे में भी ख्याल रखा गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के एक साल और राज्यसभा पहुंचने के 7 महीने बाद भी केंद्र में मंत्री नहीं बन सके। हालांकि सिंधिया इस सवाल के जवाब में हमेशा यही कहते आए हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं, वो तो जनता के एक सेवक मात्र हैं। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में जितने भी समर्थक उनके मंत्री थे, वो इस बात को लेकर नाराज रहे कि सिंधिया को कांग्रेस में उचित स्थान नहीं मिला। ऐसे में सवाल यही कि क्या बीजेपी में रहकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कद के नेता हैं, वो कद उन्हें प्राप्त हुआ या नहीं, नहीं तो कब। भाई कांग्रेस में अगर कोई अगर अपनी गलती रियलाइज करके ओके कि मेरी गलती हो गई और माफीनामा लिख के आ जाए तो मिल सकते। तो राहुल जी ने कहा कि वो आपस आए तो उसके लिए दरवाजा खुला है। सिंधिया जी पेशकश कर रहे हैं तो अगर मान लो अपनी गलती रियलाइज करके आएंगे तो अवश्य हाईकमान माफ कर देगा, उसको ले भी सकते हैं। राहुल गांधी सिंधिया को लेकर कह रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस में वापस आना ही होगा। क्या ऐसा संभव है या फिर कांग्रेस को बाय बाय कह चुके सिंधिया बीजेपी में लंबी और टिकाऊ पारी खेलने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज पर डेस्क। तो सिंधिया की पोजीशन पर तकरार या फिर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, बैक बेंचर। दूसरी तरफ कांग्रेस में आना ही होगा। क्या जिस मकसद के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए थे, वाकई वो मकसद पूरा हुआ या पूरा हो रहा है? और एक साल बाद राहुल गांधी का जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहना कि अगर कांग्रेस में होते तो सीएम बनते, बीजेपी में इसके कोई चांस नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा, फिर डिबेट शुरू करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हमारे स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी प्रवक्ता। गुलरेज जी, स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब। चेतन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास मैं आता हूं, थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे जुड़ेंगे। गुलरेज साहब, क्या कहेंगे राहुल गांधी बैक बेंचर कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को? क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें तो जिस कद के नेता हैं, जिस तरह के वो नेता हैं, फ्रंट फुट पर हमेशा खेलते हैं, और कहीं उन्हें ये प्रॉब्लम दिखी कांग्रेस में तो सीधे बीजेपी के हो गए। और अब जो कुछ राहुल गांधी ने कहा कि वो बैक बेंचर है बीजेपी में, सर मुझे समझ में नहीं आता कि रॉबर्ट वाड्रा ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सच्चाई और जो सच्चाई का धरातल होता है उससे बहुत दूर है। आप देखिए कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत भी जहां पर कांग्रेस पार्टी का स्टेक है वहां पर ये भाई बहन पहुंचते नहीं है। चार चार बार राहुल गांधी जी ने तमिलनाडु के दौरे कर लिए, सब वो एक हाथ पर दंड बैठक भी लगा ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी इनके सहयोगी डीएमके ने इनको कहा कि 25 से ज्यादा सीटें चाहिए तो बाहर निकल जाओ गठबंधन से। अब हो ये रहा है कि इनको मीडिया भी तवज्जो नहीं दे रहा। अब मीडिया की तवज्जो के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना जरूरी होता है, तो ये वही चल रहा है। आप देखिए कि चाहे आपका इतना बड़ा मीडिया हाउस हो, बीबीसी हो, सब पर ये स्टेटमेंट चल रहा है कि
सिंधिया जी ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया, सब जगह यह चल रहा है कि ये केवल कैमरा कैच करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि कैमरा इनको कवर नहीं कर रहे इनकी बेवकूफियों की वजह से। अब जहां तक इनकी बात में सच्चाई की बात है, देखिए आप समझिए कि सच्चाई के धरातल पर ये कहां खड़े हैं। आप सिंधिया जी तो कांग्रेस पार्टी के अंग नहीं है, भूल जाइए सिंधिया जी को, आप बात कीजिए सचिन पायलट की। सचिन पायलट भी एक युवा है, क्या उनको उनका हक मिल रहा है? उन्होंने ही 5 साल तक खूब वहां पर संघर्ष किया था और सत्ता वापस लेकर आए, वे प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जब समय पड़ा तो चूंकि वे युवा थे और उसी एज ग्रुप को उसी एज का जो ब्रैकेट है जिसमें राहुल गांधी आते हैं वहीं पे वे भी खड़े थे और वहीं पे सिंधिया जी भी खड़े थे, तो कैसे किसी ऐसे युवा को, या युवा बोले या जो भी कोई कहे कि जो राहुल गांधी का हम उम्र व्यक्ति हो, उसको आप कैसे ऐसी पोजीशन दे सकते हैं कि कल से वो एक चैलेंजिंग अथॉरिटी या चैलेंजिंग कंटेंडर बन जाए राहुल गांधी के खिलाफ? तो ये लोग नहीं देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी कोई युवा की आकांक्षाएं क्या है, आपने जनता को क्या चेहरा दिखाया था, क्या कमिटमेंट दिया था, कोई अंतर नहीं पड़ता है। केवल इनके लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें बाप के बाद बेटा बैठता है, बेटे के बाद उसका बच्चा बैठता है, एक दुकान है कांग्रेस पार्टी जो गांधी नेहरू परिवार की दुकान है, उसको वो चला रहे हैं, उसमें सिंधिया जी हो, सचिन पायलट हो, ये लोग। चलिए गुलरेज जी, दोबारा आता हूँ अगले सवाल के साथ। चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। चेतन जी, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, या फिर सिंधिया की हम बात करें, 1 साल 10 तारीख को बीजेपी ज्वाइन किए उन्हें हो चुका है, राज्यसभा सांसद बने 7 महीने हो गया है, बहुत चर्चा इस बात को लेकर थी कि मध्य प्रदेश को लेकर जो उनकी बातचीत बीजेपी से रही उसके हिसाब से जिन्हें मंत्री बनना था, जो विभाग मिलना थे मिल चुके, लेकिन इस बात को लेकर भी चर्चा रही तभी से और अभी तक लगातार चल रही है कि उन्हें भी केंद्र की राजनीति में मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वो अभी तक नहीं मिली, क्या इसी के वजह से ये सवाल? देखिए राजेश जी, 60 के दशक में एक फिल्म आई थी 1 साल जिसमें अशोक कुमार हीरो थे, उसका एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया जी, जो आज भी प्रासंगिक जी। 15 महीने कमलनाथ की सरकार और 12 महीने इसकी सरकार, उसके बाद राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी अगर कांग्रेस में रहते तो सीएम बन जाते, अरे भाई जब आपकी सरकार बनी थी उसी समय सीएम बना देते, वो तो प्रचार समिति के प्रमुख थे जी, और उनका तो क्लेम बनता था सीएम बनने का, एक युवा थे निश्चित तौर पे, युवा उनके साथ जुड़ता और सरकार अच्छी चलती जी, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। चलिए उनने उस बात पर भी संतोष कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, सीनियर आदमी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया है जी, प्रदेश अध्यक्ष बना दे तो पूरे प्रदेश का दौरा करते, कांग्रेस जो बिखरी हुई है उसको मजबूत करते, वो भी नहीं हुआ। फिर राज्यसभा की बात आई तो उसमें भी आपको पहले प्रायोरिटी आपने दिग्विजय सिंह को दी, तो ऐसी स्थिति में 15 महीने तक आदमी ने इंतजार किया। और फिर देखिए सिंधिया जी कोई छोटे मोटे नेता तो थे नहीं, वो राष्ट्रीय नेता थे निश्चित तौर पे, उनकी भी अपनी एक पोजीशन थी, जब उनको ले सका कि भाई हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा। फिर सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब उन्होंने सड़क पे उतरने की बात की तो कमलनाथ ने एविडेंस दिखाते हुए कह दिया कि जाइए आप सड़क पे उतर जाइए। अगर उसी बात को इस तरह से कह देते कि भाई अगर हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता शिक्षकों के सड़क पे उतरने की बात कह रहा है तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है, हम निश्चित तौर पर इस मामले में विचार करेंगे और उनको सड़क से उतरने पर रोकेंगे, तो मामला पलट जाए। लेकिन जब आप इस तरह से कह रहे हैं कि जाइए सड़क पे उतर जाइए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो कहीं ना कहीं आदमी का हर्ट होता है। हमें तो कांग्रेस को तो बीजेपी का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस दिन से पार्टी सरकार में आई अब तो वो लगातार ये कह रहे थे कि हम सरकार नहीं गिराएंगे, ये अंतर विरोध पे गिर जाएंगे। इसका मतलब है कि वो बार बार इशारा कर रहे थे कांग्रेस को कि आपके भीतर अंतर विरोध चल रहा है, उसके बाद के अगर आप उसके अंतर विरोध को नहीं समझ पाए और आपने पुख्ता खो दी, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस का ही पूरा दोष है। क्या क्या चेतन जी, जो लाइन आपने कही कि जिस तरह से कमलनाथ ने कहा कि जाइए सड़क पर उतर जाइए, और वही एक सम्मान की बात कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को घर कर गई और वजह बनी कांग्रेस की सरकार गिरना। हालांकि अगर बीजेपी में अभी तक देखें तो कांग्रेस में जिस तरह से उनके जितने समर्थक थे वो आज मंत्री हैं, कांग्रेस में मंत्री थे, विभाग में भी
वहां पर अब्बल थे, लेकिन अगर पर्टिकुलर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें, जिस तरह से ये माना जा रहा था कि नहीं केंद्र की राजनीति में वो दिखेंगे, वो मंत्रिमंडल में दिखेंगे, लेकिन वहां अभी तक नहीं पहुंचे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो बात घर की वही कि उतर जाइए आप सड़क पर, और उन्होंने इसी के चलते बीजेपी ज्वाइन की। देखिए ये बात तो सही है, कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नेशनल जी लगता है चेतन जिसे अभी हमारा ऑडियो उनको नहीं मिल रहा है, मैं दोबारा उनके पास में आऊँगा इसी सवाल के साथ। राकेश जी हमसे जुड़ चुके हैं, राकेश सिंह यादव जी कांग्रेस नेता, राकेश जी स्वागत करता हूँ आपका। जी नमस्कार। जिस तरह से बात राहुल गांधी ने की, उसके बाद जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आया और कहा कि जब कांग्रेस में थे तब तो ये बात हुई नहीं और अब ये बात हो रही है, किस तरह से देखते हैं इसको लेकर? और फिर बीजेपी के तमाम तरह के सवाल, कहते हैं कि चुनाव में दूल्हा किसी को दिखाया, भामर किसी के साथ करा दी। देखिए इसको इस तरीके से देखिए आप जी, भारतीय जनता पार्टी का भी मैं जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाना था, वो चेहरा थे, ये भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस का कौन चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करने का अधिकार नहीं है, तो व्यर्थ की बात है पहली बात। दूसरी बात, राहुल जी ने जो एक लाइन बोली है उससे ये तो स्पष्ट हो गया सिंधिया जी के जवाब से कि ये मुख्यमंत्री बनने के लिए ही कांग्रेस में टिके हुए थे, आपकी प्रबल इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की। अगर आपकी प्रबल इच्छा मुख्यमंत्री बनने की थी तो फिर चुनाव लड़ाने की प्रबल इच्छा क्यों नहीं थी आपकी? 2015 में जब राहुल जी ने बोला था कि आप मध्य प्रदेश संभालिए, तो सिंधिया जी हाथ खड़े होकर वापस चले गए थे कि मैं पूरा मध्य प्रदेश नहीं संभाल सकता। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना था तो आपको मध्य प्रदेश उसी समय क्लेम करना था 2015 में कि मैं 3 साल बाद मध्य प्रदेश लड़ूंगा और मैं अध्यक्ष बनूंगा और आप मुझे अध्यक्ष बनाइए, और नहीं बनाते तो आपको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाना था। लेकिन आप वो नहीं कर पाए क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं थी कि आप पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ाते और व्यवस्थित तरीके से सरकार ला पाते। अब बनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार, उसमें आपके 6-6 मंत्री आपके बनाए हुए, उसके बाद आप बोलते हैं कि मुझे सांसद बनाइए, कांग्रेस वो भी बनाने को तैयार थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाइए उस पर चर्चा चल रही थी। अगर ये सब सारी चीजें थी कि आपको मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री बनना ही मकसद था, तो 2015 से आपको शुरू हो जाना था, वो उन्होंने नहीं किया। राहुल जी का जो बयान है कि आप भारतीय जनता पार्टी में सबसे आखिरी बेंच पे बैठे हुए हैं और आप हमेशा वहीं बैठेंगे, ये सीधा सीधा तंज है कि जहां आप राष्ट्रीय लेवल के नेता थे या राष्ट्रीय लेवल के जो हाईकमान है, किसी भी नेता से आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकते थे, आज आपकी जिद की वजह से, आपके अहंकार की वजह से आप एक ऐसी पार्टी में चले गए हैं जहां आपके कैलिपर का तो दुरुपयोग हो ही रहा है, ताकि आप एक क्षेत्रीय नेता हो। नहीं, लेकिन राकेश जी यहाँ सवाल इस बात को लेकर भी है, कांग्रेस पर इस बात को लेकर भी सवाल है कि राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस में होते तो सीएम होते, यानी कि आगे आप सीएम बन सकते थे, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, बीजेपी जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है कि फिर क्यों सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया, आपने कर लिया। हाँ, आप हंस लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ, आप हंस लीजिए, जनता भी देख रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप हंस लें जोर से और जोर से हंस लें। जी जी, विषय ये नहीं है, राहुल जी ने एक पाता सर, राहुल गांधी पे हंसती है, मेरे हंसने से क्या होना है, राहुल गांधी अडवाणी बोल के हंसता है, आपके चलिए राकेश जी, राकेश जी सवाल है, जो सवाल है वो जवाब मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से जवाब आए। राहुल जी ने एक राजनीतिक पासा फेंका और सिंधिया जी की असलियत सामने ला दी कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए थे, कांग्रेस में होते रहते, कांग्रेस की विचारधारा को आप कायम रखते, वो कांग्रेस की सरकार के लिए खड़े रहते, तो शायद आज आप मुख्यमंत्री होते। लेकिन आज अब आप ना मुख्यमंत्री लायक है ना मंत्री लायक बचे, भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको अभी उनके संस्कार सिखाने के लिए आरएसएस की शाखा में भी ले जाएंगे और वहां वो डंडा
उठाते दिखाते दिखेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने वाले थे, तैयारी कर ली थी इनके समर्थकों, आठ सात आठ महीने हो गए, क्या हुआ, नहीं बन पाए। वहां चंबल में जितने पूरी सीट जिताने का दावा था वहां भी छह सीट हार गए। तो आपकी जो क्षमता थी वो भारतीय जनता पार्टी ने भी आंक ली कि आपकी जरूरत थी सरकार बनाने को, उतना हमने उपयोग कर लिया, लेकिन इससे आगे जरूरत हम महसूस नहीं करते हैं। चलिए, इंदौर में प्रोग्राम होते हैं जी, जी। तो सिंधिया जी का कहीं नामो निशान नहीं रहता किसी पोस्टर या बैनर में जी। उनको दरकिनार कर दिया है जो कद्दावर दूसरे नेता है। चलिए चलिए, मैं आता हूँ डॉक्टर गुलरेज सिंह के पास में, मैं आऊंगा। गुलरेज जी, जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं, तमाम सवाल उनके हैं, हालांकि इस पर दिन भर चर्चा इसी बात को लेकर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो मैं आपकी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा उस बात को लेकर, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कद के नेता, ये भी सही कि कांग्रेस में जिस तरह से वो रहे, राहुल गांधी के बिल्कुल निकटतम वो नेता रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी जिस हिसाब से उनका उपयोग और जिस समय रहते उनका उपयोग करना चाहिए, अभी हमने देखा कि जो टीम बनी है नई मध्य प्रदेश में संगठन की, उसमें जो सिंधिया समर्थक हैं वो उसमें नहीं हैं, जबकि ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि जो भी उनकी पार्टी में आता है वो उनका हो जाता है। क्या अभी तक मैच नहीं हो पाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो फॉलोअर हैं, जो समर्थक हैं, या फिर क्या किस बात को लेकर दिक्कत है कि एक ऐसे चेहरे का उपयोग बीजेपी को जिस गति के साथ, तेजी के साथ करना चाहिए, वो नहीं दिखा? नहीं नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं जी, है जी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच में रच गए हैं, बस गए हैं, और उनके जो साथ में आए थे जो हमारे कार्यकर्ता हैं आज के समय, वे भी रच बस गए हैं। जहां तक आप पूछ रहे हैं कि संगठन में किसको पद मिला किसको नहीं मिला, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, संगठन जो होता है ना, उसके अंदर बहुत से लोग बहुत समय से जो काम कर रहे थे और उनकी अपेक्षाएं भी थी, यही कारण कांग्रेस में था, अरे कांग्रेस में था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अब आपको समझ में आ गया, लेने दीजिए, मुझे बोल तो लेने दीजिए, राकेश जी बोलने दीजिए, मैं आपके पास में आ जाऊंगा, पर्याप्त वक्त है। जी जी, नहीं नहीं नहीं, चर्चा होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, राकेश जी मैं आऊंगा, मैं चाहता हूँ चर्चा हो, मैं चाहता हूँ चर्चा हो, शोर शराबा से कुछ नहीं हासिल होगा। गुलरेज जी बोलिए, दोबारा मैं राकेश जी के पास में आऊंगा जी। देखो सर, बड़ी स्पष्ट बात कहता हूँ, सिंधिया जी के नाम का सिंदूर हमने अपनी मांग में लगा लिया है, अब सिंदूर की रक्षा तो हम करते हैं और करेंगे, ये बात समाप्त हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। और हमारे घर के सिरमौर है, तो इसलिए इससे ना कोई भाष्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरे कांग्रेसी मित्र ने जितनी बातें की ना, सब में अंतर्द्वंद था। उन्होंने बात की कि उन्होंने पहले पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बने कमलनाथ जी के पहले, तो भैया सचिन पायलट तो पहले से अध्यक्ष थे, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, लेकिन क्या हुआ, पड़ोसी राज्य में हम सबने देखा, लेकिन यहाँ पर सिंधिया जी जो थे वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, सिंधिया जी का ही नाम क्यों चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा था, सब जानते हैं, मैं भी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, आप सब भी निवासी हैं। तो ये जनता के साथ भी जिन्होंने वोट दिया था उनके साथ भी धोखा हुआ, इसीलिए आपने उसका परिणाम देख लिया कि उपचुनाव में क्या परिणाम आए, जनता ने आपको लात मार के भगा दिया, उसके बाद भी आप इतनी बातें कर रहे हैं। और जहां तक सिंधिया जी की बात है ना, राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते रहे, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता, उनका मुंह है स्वतंत्र बोलने के लिए, लेकिन सिंधिया जी कोई इस पार्टी से ऐसा नहीं था, नए थे, उनके परिवार में उनकी दादी भी थी, उनकी बुआएं भी थी, वे इस पार्टी की परिपाटी को, रीति नीति को सबको समझते थे पहले से। दूसरी बात, उन्होंने अपने पिताजी को भी देखा था, यही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी थी जिन्होंने कांटे बिछाए थे माधवराव सिंधिया जी के पैरों में, जब पैरों के नीचे जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो उनको पता था कि ये जो डुओज है ना, ये बिल्कुल उनको कुछ नहीं होने देंगे, उनको हमेशा काट करेंगे, बदतमीजी कर रहे थे, जिस तरह कमलनाथ जी ने बोला था सड़क पर उतर जाओ, ये करो वो करो। चलिए चलिए, चेतन भट्ट साहब के पास में आऊंगा, चेतन भट्ट साहब के पास में आऊंगा, मेरा जो सवाल उनसे था वो अधूरा रह गया था, मैं चाहता हूं उसको थोड़ा और आगे ले जाएं। चेतन भट्ट साहब, क्या अब वो समय है बीजेपी के लिए कि एक साल का वक्त हो चुका है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे चेहरे का जिस तरह से उपयोग उन्हें करना चाहिए, न केवल उपयोग बल्कि यहां से एक मैसेज कन्वे हो कि अगर बीजेपी में कोई इस कद का नेता जाता है तो पूरी तरीके से उस पर
न्याय होता है, क्या वो वक्त है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कद के नेता हैं उनको वो मिलना चाहिए अब समय? नहीं, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कद के नेता हैं उनको निश्चित तौर पर उसका उसका आधार पे उनको स्थान मिलना चाहिए, लेकिन देखिए बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमने देखा राकेश चतुर्वेदी जी को भी देखा है, वो बीजेपी में गए थे एन वक्त पे जब अविश्वास प्रस्ताव था, वो बीजेपी के है ना कांग्रेस के। हमने भागीरथ प्रसाद को भी देखा है जिन जो टिकट कांग्रेस से मिल रही थी लेकिन एन वक्त पे वो बीजेपी में चले गए थे। देखिए वो स्थिति अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, वो निश्चित तौर पर प्रांतीय नेता के स्तर पे वो पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि जो संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है बीजेपी में, कैडर बेस्ड पार्टी है जिसमें संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसमें उनके किसी भी समर्थक को एकाध समर्थक को शायद मेरे ख्याल स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि वो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को विश्वसनीय नहीं मानते, क्योंकि सत्ता में तो ठीक है उन्होंने अपने मंत्री बना दिए लेकिन संगठन में जिस तरह की बड़ी पार्टी चलती है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के निर्णय होते हैं उसमें अगर सिंधिया समर्थकों को शामिल नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि अभी भी विश्वसनीयता कायम नहीं हो पाई है। जैसा राहुल गांधी ने कहा कि वो अभी बैक बेंचर है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी में अभी बैक बेंचर है। अब रहा सवाल इस बात का कि वो मुख्यमंत्री बन जाते तो ये कब बन जाते भाई, 15 महीने अगर आपकी सरकार रही और आपने उनको कोई स्थान नहीं दिया तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते, हर व्यक्ति जो भी विधायक बनता है वो मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चाहे जो पॉलिटिकल रहते हैं लोग रहते हैं वो निश्चित तौर पे कोई बड़ा पद पाना चाहते हैं, और फिर वो तो आप देखिए कि जब चुनाव हो रहा था तब तो प्रमुख चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, विज्ञापन भी उसी तरह के चल रहे थे कि माफ करो महाराज अपनी बात शिवराज, वो बात अलग, शिवराज और महाराज दोनों गलबहियां डाल के घूम रहे हैं वो एक अलग मुद्दा। तो सवाल इस बात का है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस स्तर का नेता होना चाहिए वो बीजेपी में अभी उनको वो स्थान मिल नहीं पाया, जैसे केंद्रीय मंत्री की भी बात थी लेकिन अभी वो केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए, राज्यसभा मेंबर हैं, लेकिन एक जो उनका कद है उस कद के तहत अगर भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग नहीं कर पा रही है इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कहने। बिल्कुल, काफी अहम बात चेतन जी कह रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संगठन जो कि बीजेपी की आत्मा है अगर उसमें प्रवेश नहीं, उसमें घुले मिले नहीं, वो रीति नीति वो विचारधारा से नहीं मिले, और शायद जो चेतन जी कह रहे हैं काफ़ी अहम बात कह रहे हैं, और यही कारण है कि तमाम तरह के जो सवाल अब उठने लगे हैं। राकेश जी मैं आपके पास में आता हूं, राहुल गांधी ने एक और कहा जिस तरह से कि दरवाजे खुले हैं आना ही होगा, क्या कांग्रेस ये मानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता कांग्रेस से चला गया पार्टी में, पार्टी की कहीं ना कहीं इसके चलते एक बड़ी भूल हुई है, रोक लेना चाहिए था समय रहते उन्हें? देखिए राहुल जी ने जो बोला कि पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं वो इसलिए बोला कि एक ना एक दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस गलती का एहसास होगा और बहुत कुछ हो भी गया होगा। वो नहीं तो गलती का उनका होगा कि पार्टी गलती का एहसास कर रही है? सिंधिया जी की जो गलती उन्होंने करी है बीजेपी में जाने की उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सब कुछ उनको अपने होश में आए तो क्या हुआ, जी ने कोई बोला था? हाँ आप असली जी, चलिए राकेश जी बोलिए, राकेश जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए राकेश जी को बोलने दीजिए, ज्यादा अच्छी लगेगी दर्शकों को। नहीं 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 आप अच्छा बोलते हैं आप जी। मेरा ये कहना है कि सिंधिया जी को गलती का एहसास इसलिए होगा कि बीजेपी ने उधार के सिंदूर से मांग भर ली है और उधार का सिंदूर ज्यादा दिन नहीं चलता है। उसका तो आपकी तो मांग खाली है सर, आप तो जो भी बोलते हैं हमारे विषय में आपकी तो मांग ही सुनी है खाली है। अब आप खुद बीच में बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए ना। बोल रहे जी प्लीज राकेश जी को बोलने दीजिए, मैं चाहता हूँ कि जो वापिस आपके आरएसएस के संस्कार चिल्लाने लग गए, जरा शांति रखिए। बोलिए राकेश जी बोलिए, सिंदूर को कमेंट कर रहा है। राकेश जी बोलिए बोलिए, राकेश जी को बोलने, गुलरे जी प्लीज, गुलरे जी प्लीज राकेश जी को बोलने दीजिए जी, बोलिए जी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, चलिए राकेश जी, तमीज नहीं है तो बात मत कीजिए। राकेश जी प्लीज, राकेश जी को बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग बदतमीजों के पार्टी के प्रवक्ता दूसरों को तमीज सिखा रहे हैं। नहीं अच्छा नहीं है डॉक्टर गुलरेश, डॉक्टर गुलरेश शेख, राकेश जी मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ मुद्दा काफी गंभीर है, दोनों प्रवक्ताओं से मैं कहूंगा कि मुद्दा काफी गंभीर है इसलिए गंभीरता से बात होना चाहिए। राकेश जी बात है, राहुल जी ने आज स्पष्ट कहा है जी कि
आज नहीं तो कल सिंधिया जी को अपनी गलती का एहसास होना है, क्योंकि जो व्यक्ति इस पार्टी में 20 साल तक उनने मंत्री सांसद अनेक पद हो गए हैं, यहाँ के संस्कारों में शामिल रहे हैं, जिस भी वजह से वो गए, जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे, चाहे मुख्यमंत्री नहीं बने या उनका कोई व्यक्तिगत विवाद रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका खून बेसिक रूप से उनके पिताजी का डीएनए कांग्रेस ही है। इस बात को मद्देनजर रख के ये बात बोली गई है कि आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपनी गलती का एहसास करेंगे, क्योंकि माधवराव सिंधिया ने कभी भी इन आरएसएस के लोगों को स्वीकार अपने जीवन काल में नहीं करा था। और माधवराव सिंधिया जी की जो गद्दी बनी हुई थी, जो इज्जत बनी हुई थी, उसी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपनाया था और 20 साल तक उसको भोगा है। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी खून इतना खराब नहीं हो सकता, कोई परिस्थितिवश हो गए हैं, तो ये दरवाजे कांग्रेस के तो हमेशा कांग्रेसी संस्कारों के लिए खुले हैं, वो भारतीय जनता। लेकिन राकेश जी, ये राकेश जी, ये भी तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि उन्हें जाना पड़ा। राजमाता सिंधिया का भी खून है, मैं मान रहा हूं ना, राजमाता परिस्थिति निर्मित हुई, वो माधव महाराज जी बनी के टिकट क्या हुआ उड़ा है जी से गए, या वो किसी दबाव में गए, या भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त में गए, जिसमें भी गए, अगर उनकी गलती का एहसास उनको होगा। चलिए चलिए, तो फिर तमाम तरह के सवाल और जो कुछ राहुल गांधी ने कहा या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आगे आकर इसका जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा, जैसा नेता उनके पास में है, अब किस तरह से उनका उपयोग करती है उसके कथ के हिसाब से, क्योंकि सवाल तो अब जब उठे हैं तो इसके जवाब भी आने वाले समय में मिलेंगे। हालांकि आज जो कुछ कहा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने कल सोमवार को जिस तरह से कहा था, फिर उसका आज जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया और बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता भी इस पर बोले, लेकिन इतना सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस कथ के नेता हैं, जिस चेहरे के वो नेता हैं, हर पार्टी उनका बेहतर उपयोग करना चाहेगी। कांग्रेस से नाराज़ हुई, आज बीजेपी में है, अब देखना होगा बीजेपी इस चेहरे का उपयोग किस रूप में आगे आने वाले समय में करती है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलदीप सिंह साहब आपका, राकेश सिंह यादव साहब आपका और चेतन भट्ट साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर सिंधिया की पोजीशन पर जो तकरार है उस पर सियासत और राजनीति भी दिन भर आज चलती रही, लेकिन सवाल हैं और जिस तरह से सवाल उठा उसके जवाब भी अलग अलग एंगल से सामने आए, लेकिन देखना होगा कि इस तरह का जो सवाल उठा है उसका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में बीजेपी किस तरह से देती है, आने वाला वक्त बताएगा। हमारी चर्चा में से इतना ही, न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।